reporters today. ओडिशा'स फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल भारतीय तटरक्षी बाहिनी रे शामिल हेला नुआ युद्ध जहाज आईसीजी विजय गतकाली पारादीप बंदर पीआईसीटी बथ रे ए जहाज को भव्य स्वागत संबोधन दिया जायछि। एथिरे भारतीय तटरक्षी बाहिनी रो पारादीप डीआईजी राकेश मकवान मुख्य अतिथि भाबे जोग देई ए अत्याधुनिक जहाज विजय को लोकार्पण करबा स ओडिशा उपकूल सुरक्षा रे शामिल हेबो नै घोषणा करथिले। ए अत्याधुनिक युद्ध जहाज विजय चेन्नई स्थित किटुपल्ली ठारे थिबा एल ऑन टी स्पी आर्ड रे अत्याधुनिक ज्ञान कौशल निर्मित होईची। एरो लंबो 98 मीटर थिबा बेले ओजन 2100 मेट्रिक टन रहिची। एरो स्पीड 26 टन्स 5000 नॉटिकल माइलेज थिबा बेले एथिरे प्राय 9000 किलोलीटर रो डीजल बोहिनेबार क्षमता रहिची। एरो कंबाइंड टीम दायित्व रे कमांडर एच जे सिंह थिबा बेले एथिरे 12 जण अधिकारी ओ 91 जण जवान रहिचंती। तेबे ए जहाज केवल उपकूल सुरक्षा प्रति दृष्टि देबा सहित प्राकृतिक विपर्य जथा बात्या बन्या घूर्णिझड़ परि विपद समय लोक मानक उद्धार करि मत्स्यजीवी मानक सुरक्षा अनुप्रवेश रोकिबा स परिवेश सुरक्षा कार्यरे मध्य नियोजित हेबो ए युद्ध जहाज। तेबे पूर्वरु सुजय नामक जहाजटी भारतीय तटरक्षी बाहिनी जोग देथिबा बेले गतकाली आईसीजी विजय सामिल को नै बड़ आडंबरे भव्य स्वागत संबोधना करा जायतिला। आईसीजी विजय रा सामिल हेबा परे ओडिशा उपकूल रे सुरक्षा दिगरे आउरी मजबूत हेबो बोली आशा करा जाय छी। देखिए, विजय जो जहाज है बिल्कुल नया बना है, अभी पिछले ही महीने कमीशन हुआ है बन करके, और ये पारादीप में जो हमारे प्रयास रहे तो पारादीप में ये जहाज जो है बेस हुआ है। बिल्कुल नया जहाज है, इसकी लंबाई जो है वो 98 मीटर यानी कि 98 मीटर्स है और 26 नॉट की जो है वो ये स्पीड कर सकता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी लेटेस्ट इक्विपमेंट लगे हुए हैं, नेविगेशन इक्विपमेंट हैं, लेटेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, लेटेस्ट किस्म की जो है बिल्कुल नई किस्म की बोट्स लगी हैं जो कि काफ़ी फास्ट हैं और काफ़ी कैपेबल हैं। ठीक करें, पहले सुजय आया था जहाज जो कि 105 मीटर लंबा था, और ये है विजय, ये भी 98 मीटर लंबा जहाज है। इसमें भी जो है हेलीकॉप्टर कैरी किया जा सकता है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या उस साइज़ का जो भी है हेलीकॉप्टर ये जहाज कैरी कर सकता है। जितने भी भारतीय तटरक्षक के कार्य हैं उन सभी के संपादन के लिए जो है ये जहाज प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू यानी खोज एवं बचाव के कार्य है, एंटी स्मगलिंग है, एंटी टेररिज्म है, जितने भी हमारे जो कार्य होते हैं, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एट सी है उसके लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, गिविंग प्रोटेक्शन टू आर फिश जो मैरीटाइम जोन्स हैं, जो हमारी समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने मछुआरों को प्रोटेक्शन देने के लिए, काफ़ी कार्यों के लिए हमारे जहाज जो हैं वो प्रयुक्त में होते हैं। इस जहाज़ को कंस्ट्रक्शन जो है एलएनटी में हुआ था चेन्नई में, और एलएनटी ने ये जहाज़ हमको 30 अगस्त को हैंडओवर किया था। ये जहाज़ 14 सितंबर को डिफेंस सेक्रेटरी श्री संजय मित्रा जी ने इसको कमीशन किया था। इस जहाज़ की खासियत यह है कि 98 मीटर जहाज़ जो है इसकी लंबाई है, और इसकी जो स्पीड है 26 नॉट है। 26 नॉट मतलब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो आप ज़मीन पर नापते हैं ये समुंदर में चल सकता है। इस जहाज़ में दो इंजन लगे हुए हैं और जहाज़ के पास दो स्पीड बोट्स हैं जो 40 नॉट की स्पीड से, जब जो कि लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ज़मीन पे आप नापते हैं उस रफ्तार से इस बोट्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। इस जहाज़ में दो एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं जो 120 मीटर तक पानी को फेंकते हैं, और किसी भी समुंदर में आग बुझाने के लिए, किसी मर्चेंट शिप में आग लगी है उसको बुझाने के लिए काम देते हैं। इस जहाज़ में 12 ऑफिसर हैं और 90 सेलर हैं जो इस जहाज़ को चलाने में मेरी मदद करते हैं। ये जहाज़ उड़ीसा में बेस्ड है, पारादीप बेस्ड जहाज़ है जिसको भारतीय तटरक्षक ने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल सिक्योरिटी की स्ट्रेंथन करने के लिए इस जहाज़ को यहाँ पे बेस किया गया है। ये जहाज़ कोस्ट गार्ड के सारे काम करेगा, सर्च एंड रेस्क्यू से लेके पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, कोस्टल सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, इन सबको ये पारादीप से ऑपरेट करेगा। जी, शिप आया 3 महीने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, और हमारी फैमिलीज जो यहाँ पर थी काफ़ी अच्छा लगा उनको, सभी लोग आए हैं हस्बैंड को देखने के लिए, मतलब कितना टाइम के बाद आया है, तो एवरीबॉडी इज लाइक वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। पारादीप रूप पर्सन स्वयं को रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।